वो भी चली। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला, राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। लीला परंपार है। दशानन से बलशाली, शतानन अनगिनत बरसाए शिला। तो हेलो जी, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग पर। तो भाई लोग गुड आफ्टरनून हो रहा है, और हमारे साथ आ रहे शिवराज भाई। नमस्ते, जय श्री राम। जय श्री राम। और अभी जय श्री राम, जय हनुमान। जय हनुमान। तो भाई लोग, अभी का सीन ये है कि हम लोग जय हनुमान क्यों बोल रहे, क्योंकि आज क्या है बशीर भाई? हनुमान जयंती है। हनुमान जयंती है। मतलब होता है क्या ये, मतलब क्यों बनाया जाता है? लिया था हनुमान जी, हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो फिलहाल सर हमने डिसाइड किया था कि यार हमारे पास में भी मंदिर है, बट एक्चुअली हमने सोचा कि यार थोड़ा सा इतना मौसम हो रहा है, तो थोड़ी सी वादियों में जाके हनुमान जी का थोड़ा सा प्रसाद लेके आए। तो फिलहाल सर हम कहाँ जाने वाले हैं बशीर भाई? हम जाने वाले हैं हनुमान गढ़ी। तो यहाँ पे टनकपुर पॉइंट के थोड़े आगे बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और छोटा सा मंदिर है लेकिन बहुत ही प्राचीन मंदिर है, दूर दूर से लोग देखने आते हैं। तो वहाँ पे जाएंगे, टीका लगाएंगे, बाबा जी को नमस्ते करके, हनुमान जी को नमस्ते करके वापस आएंगे। तो फिलहाल से यार ये जर्नी बहुत ही मस्त होने वाली, तो तुम एंजॉय करो भाई सिनेमैटिक के साथ। तो भाई लोग हम फाइनली मंदिर में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे धूप बहुत ही मस्त है भाई, लेकिन यहाँ पे धूप में बैठने में मजा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सुकून की हवा चल रही है, समझ रहे बात को। और यहाँ पे हमारे छोटे भाई लेके आ रहे हैं प्रसाद। हेलो, बोल दो नाम क्या आपका? पवन। आपके ला रहे हो केले? चलो, जय हनुमान जी। हेलो भाई, हमारे तो भाई लोगों फाइनली हमने प्रसाद भी खा लिया, और साथ ही साथ टीका भी लगा लिया है, बसी भाई ने भी लगा लिया, सबने लगा लिया, बसी भाई उनके सब्सक्राइबर मिल गए थे। तो कैसा लगा बसी भाई? बहुत अच्छा लगा मेरे भाई। जय श्री राम, जय हनुमान जी। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम। पहले भाई लोग एक्चुअली में ऐसा होता था कि बैंक का पहले हम नहीं जाते थे कहीं भी, समझ रहे बात को। पहले बचपन में ये भी होता था कि घर वाले भेजते भी थे बाहर, बट एक्चुअली में भेजने लग गए तो हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्यों बशीर भाई? और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये चीज करनी भी चाहिए, समझ रहे बात को। गलत काम कर रहे हैं, गलत जगह जा रहे हैं। सही बात, बिल्कुल सही बात। या फिर हम गलत जगह जाते तो हम गलत भी करते, और तुम बोल भी सकते थे। भी सारे बढ़िया बंदे। सही बात, शिवराज भाई इतने अच्छे हैं एंकर, वो हमको सिखाते हैं कि ऐसे मंदिर में जाया करो ओकेजंस पे। और एक गलत काम शिवराज भाई, बोला नहीं बोल रहा हूँ, सारे अच्छे काम शिवराज भाई ने सिखाए हैं, सारे के सारे। और शिवराज भाई अभी इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि शिवराज भाई यहाँ पे आके मगन हो गए हैं, और इतनी मस्त हवा चल रही है ना भाई, सुकून वाली हवा, समझ रहे हो बात को। और बाकी तुम्हें पता ही कि इससे पहले हमने कहाँ गए थे बशीर भाई? क्लाउड पॉइंट नाम रखा था ना, क्लाउड पॉइंट। ठीक है, और अभी हम क्या करने वाले हैं? अभी एक और मस्त जगह जाने वाले हैं ऊपर पे, अभी दिखाएंगे। ठीक है, वाह। अगले बार से सुबह ही मदद करने आ जाएंगे। एक दिन पहले आना पड़ता है, 7 बजे से लगा चालू होता है आपको। रात को भजन भी होंगे? हाँ। अरे बस बस, तब तो पक्का आएंगे बाबा जी। तो इनसे मिलिए, ये है हमारे बाबा जी, बाबा कीर्तन मंडली, ये तुम्हारे बस। जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय श्री राम। आप लोगी जय हो, मैं बहुत खुश हूँ। ओके ओके। वो भी चली जो सोचा नहीं, वो भी चली, पर ऐसी कोई गली नहीं जहाँ शंकर की ना चली। वाह, जय बजरंगबली। तो भाई लोगों फाइनली हमने भजन वजन सब गा लिया, एंड इसके बाद हम ला रखे हैं अपने लिए प्रसाद। शिवराज भाई खा रहे हैं। हेलो बोल दो। हेलो। ओके, जय श्री राम, जय श्री राम। चलो
आज अच्छा लग रहा है यार वसीर भाई, बहुत बढ़िया मजा आ गया भाई ऐसे आगे, सही बात, और बहुत शांति भी मिली यार, बहुत रोज आके महंगे पिकनिक भी करते थे यार, आज पिकनिक ना कर रहे तो मजा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, अगली बार आना चाहिए आपसे, हर बार आएंगे बाबा जी, बेटा तुम्हारा ही है मेरा कुछ नहीं है, एक दिन पहले आ जाएंगे आपसे, पहले से ही पूरी व्यवस्था, जैसे आज 6 तारीख है ठीक है, तो 5 बजे एक दिन पहले शाम को 4 बजे झूले चेतन हो जाते हैं, अच्छा आज हमने कैंसिल करने का मन था भक्तों का प्रेम देखते हुए, मगर ऐसे हनुमान जी आए कि उन्हें फिर उजागर कर दिया, अरे अभी सुबह आके चले गए फिर आने वाले हैं, अच्छा वो अभी नहीं है, नहीं तो खाने नहीं देते, अच्छा हनुमान जी है ना, वो लीला परंपार है, वो आप लोगों की बाहर है,